सबको मिलेगा लंगर काफी मकदार में। तमाम साथी लेके जाए पीछे जाते जाए, तमाम साथी लेते जाए पीछे जाते, लंगर बहुत काफी मकदार में। शब्बीर खान साहब चेयरमैन जिनकी तरफ से लंगर किया गया है, जलालपुर भाई और हमारे नेता भाई जावेद हराई भाई और अजीज और रमान अजीज भाई, मुमताज मनी साहब जिनकी मोहब्बतों का लंगर आपको तकसीम किया जा रहा है। एक दफा फिर तमाम साथी को गुजारिश करूंगा कि लंगर गांधी विचार में लंगर तकसीम करते हैं। मैं अगर इसका होगा तो लंगर नहीं मिलेगा, तमाम साथी को गुजारिश के बाद आराम से लंगर लेते रहे। या आप ही लोगों के लिए शरबत की सबील और लंगर उनको दिखाएंगे कि ये हमारी आवाम है। और मैं तो आज बताना चाहता हूँ उस एडमिनिस्ट्रेटर को और उस लोगों ने बोला कि उस डीसी को और उस एमसी को जिन्होंने आज उस साइड पे टेंट लगाया था जिसमें से अब सारा उधर से आ जाते हैं और बड़ा खूबसूरत रास्ता कब्रिस्तान में बना हुआ उधर से जाते हैं। मैंने आज इल्तिजा इसलिए किया कि हमारे आवाम को जिस रोड से हमारी आवाम आती है जहाँ से डकने नहीं है गटर नहीं, वहाँ से डीसी को आना चाहिए और वहाँ से एमसी को आएगा इंशाल्लाह। आइंदा भी मैं इमरान भाई से वादा करता हूँ कि जब ये प्रोग्राम होगा तो ये रास्ता मैं बंद करूँगा उस उर्दू बाजार से और उस उधर से ये लोग आएंगे इंशाल्लाह और ये हम काम आपको करके दिखाएंगे। इनको इस कैंपो के लिए और इस लाइटिंग के लिए और इसका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी पढ़ देती है। ये नहीं कि पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी ने पढ़ नहीं दिए तो ये पढ़ देती है, लेकिन वो पढ़ ये लगाते नहीं और ये कहते हैं इंशाल्लाह। और मेरा अपने आवाम से ये वादा है कि इंशाल्लाह मैं ये पढ़ कहने नहीं दूंगा। लावारिस नहीं है शेरशाह का, इंशाल्लाह मैं चेयरमैन हूँ और ये लावारिस नहीं है। इन्होंने मीर मोड़ो मीर बैर टाउन से और के हमारे टाउन से शेरशाह का निकाल दिया है। शेरशाह हमारे इनके नक्शे में नहीं है। इंशाल्लाह मैं शेरशाह को लावारिस नहीं बनने दूंगा और मैं इनको बताऊंगा कि भाई हमारा शेरशाह भी इस नक्शे में मौजूद है और आपको काम करना पड़ेगा। मैं अपने पार्टी पे भी तनकीद करूंगा अगर आप नहीं करोगे और ये नाम इंशाल्लाह हम शेरशाह का नाम पूरे टाउन में रोशन करेंगे। मैं हर जगह एहतजाज करूंगा चाहे पार्टी से करूँ, रोना बिल्कुल नहीं रोऊंगा क्योंकि अगर रोना मैंने रोया तो फिर मैं चेयरमैन नहीं हूँ। रोना नहीं रोएंगे, एहतजाज करेंगे और ये इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और इस शेरशाह में इंशाल्लाह हमारी मौजूदगी में हम जबरदस्ती काम करेंगे और काम करना हमें आता है, हमने पहले भी काम किया है और आइंदा भी हम आपको काम करने देंगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर और डीसी को और सबको ये बताना चाहता हूँ कि शेरशाह लावारिस नहीं है और अगर आपने जो है ना हमारा नाम जो शेरशाह का आपने निकाला हुआ है, मुझे इससे पहले भी लोग मौजूद थे नाजिम थे और चेयरमैन थे सब कुछ थे लेकिन उन्होंने नहीं डलवा सके। आज की बरकत रात और इमरान कादरी सुन्नी तारीख की जानिब से जो प्रोग्राम हर साल तरतीब दिया जाता है हम उनके साथ हैं और आज हमारे टीम लीडर चेयरमैन शब्बीर खान की क्यादत में पूरी टीम मौजूद है तो इंशाल्लाह फिर भी साथ देंगे। नहीं है हेड मिनिस्टर साहब ने भी और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने गुफ्तगू भी की, उन्होंने वादा भी किया लेकिन अपना वादा वफा ना किया। लेकिन हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब काम ना होगा तो आज इनका हक है और जो इस वक्त हेड मिनिस्टर के जो लोग हैं वो गफलत में सो रहे हैं। यकीन हम इसके बाद एहतजाज करेंगे कि आपका काम है, आपकी ड्यूटी, आपका काम करना बनता है लेकिन जब आप गफलत करोगे तो आप पे तनकीद करना भी हमारा बनता है। तो आपने गफलत की है तो तनकीद हर जगह से हुई। मैं शब्बीर खान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। यकीन अवामी नुमाइंदे का काम यही होता है कि अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और उसके लिए अमली जद्दोजहद करें। उनके हमरा याद अफरीदी साहब, अजीज रमान अजीज साहब और मेरे फिदा साहब और आरानी बरादरी के जावेद देगर तमाम दोस्त इस चीज़ को कंडम करते हैं। हुकूमत वक्त जो इसको एडमिनिस्टर के मैं सालिक भुट्टो साहब का और देगर अफसरान का जिन्होंने यहाँ तवज्जो नहीं दी और बीएमसी के ना रिंग और ढक्कन और यहाँ की सफाई और कचरा उठाने का इंतजाम चीन सोलर व्यवस्था से किया लेकिन देगर जो ढक्कन लगाने के और देगर रोड कार कटिंग के जो इंतजाम है उसको गफलत बरती जिसकी वजह से कई हादसा रोनुमा हुए, कई खवातीन गट्टों में गिरी, इनकी हादसे हुए, जख्मी हुई। हम इस चीज़ को पुरजोर मजम्मत करते हैं। यकीन आप और तमाम दोस्त हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं अगर इसके बाद राय में बनाए हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह ये करप्ट माफिया जो इस इवेंट के ऊपर अपने जाति जब खर्च ना कर अपने फाइल भरती है इंशाल्लाह वो काम नहीं होने देंगे। दानाए सुबुल खरम में रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे रख को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा की मोहम्मद से वफा तूने
तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौ कलम तेरे। आज के इस बाबरकत दिन और बाबरकत रात के हवाले से मैं सबसे पहले तो तमाम जो जायरीन यहाँ मौजूद हैं आ रहे हैं अपने अपने अजीज़ वालिद की कबूर की ज्यारत करने उन सब के लिए दुआ गो। और फिर खासकर जो लोग भी हर साल की तरह जिस तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और दीगर तंजीमें जो भी हैं जो इस खिदमत में पेश पेश होती हैं, ज़ाहिर है इसका अजर जो है अल्लाह ताला की ज़ात में दे सकती है। और खासकर आजकल के दौर में कि जब आपको पता है कि तमाम कराची शहर की बल्कि कब्रिस्तानों की हालत वार जो है बहुत ख़राब है, तो इसमें जो भी आसानी पैदा ये कर पाते हैं ये करते हैं अल्लाह ताला, ये बहुत बड़ा काम है, अल्लाह ताला इन्हें अजर अज़ीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं खासकर जो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी पूरी दोनों यूसियों के तमाम मुंतखब नुमाइंदे जो है वो यहाँ मौजूद हैं इस कैंप में, तो जिससे बड़ा अच्छा एक तो ये नेकी का काम है इसमें कार्य खैर में शामिल हो गए, दूसरी बात ये कि बड़ा अच्छा एक मैसेज जाता है कि हम अच्छे कामों के लिए नेक कामों के लिए कार्य खैर के लिए हम सब एक हैं। हमारा प्लेटफॉर्म कोई भी हो, हमारी आवाज़ हमारी शनाख्त कोई भी हो, लेकिन कोई भी अच्छा काम होगा उसमें हम सब, तो मैं बड़ा खुशाइन समझता हूँ जितने भी मुंतखब नुमाइंदे यहाँ तशरीफ लाए और बैठे हुए हैं, और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम मामला में आसानियाँ पैदा करे। अभी मैंने आने से कुछ देर पहले एक छोटी सी वीडियो देखी है शबीर भाई की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं दो तीन दिन से इमरान कादरी से ये कह रहा था कि यार क्या किसी ने कोई काम किया है कब्रिस्तान के हवाले से, तो वो मैंने देखा कि वो कैंप में बैठे थे, बिल्कुल जब तुमने कोई काम ही नहीं किया, कोई खिदमत नहीं की, तो मैं कैंप लगाने का क्या हक हासिल है। तो ये अच्छा कदम है और बिल्कुल इनका मुआवजा होना चाहिए इन लोगों का, कि पहले तो फिर भी ये था कि थोड़ा बहुत मुझे मालूम ही चला है कि लाइटों के हवाले से और कुछ दीगर हवालों से जो है जो बल्दियात का महकमा उससे तआवुन किया है, लेकिन जो सिलसिला होता था कि शबराज से पहले कब्रस्तानों में कटाई झाड़ी चलो पूरा साल नहीं होती थी लेकिन जिस मौके पर होती थी वो नज़र नहीं आई, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इन्होंने किया। मैं तो वो एक वीडियो मैंने देखी है, मैं बड़ा खुश हुआ इस बात से, बिल्कुल सही किया कि जब तुमने कोई काम नहीं किया तुम कुछ डाल के बैठे कि तुम्हें क्या जरूरत है। तो इंशाल्लाह ताला जी अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए तमाम दोस्तों को, और मेरी दुआएं जो हैं तमाम दोस्तों के लिए इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगी, खासकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नौजवान जो हैं इन हालात में भी जो इस वक्त चल रहे हैं ये अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ मुहैया कर सकें, और जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बनस्बत जो हमारे दोस्तों और भाइयों ने खासकर इमरान कादरी साहब ने जो एहतमाम किया है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमरान कादरी साहब के, और हमारे यहाँ पे खानदान में जो हमारे साथ हमारे चेयरमैन जो सी सेक्स के जनाब शजर अहमद खान साहब और नायब चेयरमैन जनाब मुमताज अली साहब और अयाज अफरीदी साहब और हमारे जितने भी हमारे दोस्त हैं, नाम लेना तो खैर मैं सबका अगर चाहूँगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जो भी आप बैठे हैं और सब आज इस इवेंट में आए हैं, तो मैं तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज के मुकद्दस रात के बनस्पत जो है जो हमारे दोस्तों ने इस इनेकाद किया और इसके लिए जो हमारे दोस्तों के ख्वाहिश हैं, तो मैं उनको शुक्रिया करना चाहूँगा। और बाकी जो जिसके नस्बत से बातें करेंगे आगे की तकलीफ करेंगे तो शबीर भाई नहायत ही काबिल एहतराम मेरे दोस्त मेरे भाई चेयरमैन UC6 जनाब शबीर अहमद खान साहब, वाइस चेयरमैन मुमताज वली बलोच साहब, अजीज खान साहब, सलाउद्दीन भाई, मेरे काउंसलर नासिर सरदार साहब, मेरे काउंसलर इमरान रन्ना साहब, मूसा भाई, और जो हमारे दोस्त बैठे हैं दानियाल अजीज, मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त मेरे भाई और हमेशा मुशावरत में मेरे साथ रहने वाले शहजाद भट्ट साहब, और आज माशाल्लाह जिस तरीके से काम को लेकर चले, और हर मजहबी त्यौहार हो कोई भी मौका हो अल्हम्दुलिल्लाह पेश पेश होते हैं,
शेरशाह के कामों के हवाले से मेरे दोस्त मेरे भाई जनाब इमरान कादरी साहब जो हर मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह शेरशाह के मसाइल उजागर कर रहे होते हैं और जहां भी मामलात होते हैं कोई भी जरूरत हो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहते हैं, मैं इनका बहुत ज्यादा मशकूर हूं। और खास तौर पे जो आज इंतजाम हुए उसके हवाले से गांव बगाए इन्होंने मुझसे भी मशवरा लिया, लेकिन असल क्रेडिट इमरान कादरी साहब को जाता है कि जाहिर है भाग दौड़ करना इतना बड़ा इंतजाम करना, इसके लिए खास तौर पे मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि एक मुकद्दस एक मोहतरम दिन जब होता है तो उस दिन इस तरह लोगों की खिदमत करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी के सफेद जब मैं आया दिन को 2 बजे से चल रही है, दिन को 2 बजे से सफेद चल रही है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह इंतजाम है लाइटिंग के हवाले से देखें। हालांकि एक दिन है, इस एक दिन में जो जायरीन आ रहे हैं उनको कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनको सहूलतें मिले। जाहिर है ये हमारी यूसी सिक्स का मुश्तरका कब्रिस्तान है और यहाँ पर हम मिलकर काम करते हैं। कब्रिस्तान के अलावा भी जो मामलात है उसमें भी